नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। मैं हूं राहुल भोज। चैनल को सब्सक्राइब करें। टाइगर 3, इसने तो जैसे सोशल मीडिया पे बवंडर मचा दिया। एक इस तरीके का जलजला क्रिएट हो गया सोशल मीडिया पे कि हर कोई यही कहने लग गया कि भाई ये फिल्म तो 2000 करोड़ पार जाएगी। अब आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सलमान साहब की इस फिल्म के ट्रेलर को एक दिन के अंदर अंदर 40 मिलियन व्यूज़ तो मिले हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इसने पठान को पीछे भी कर डाला है। मेरा दूसरा नया चैनल राहुल भोज कॉमेडी है, कमेंट सेक्शन में लिंक है, ज़रूर वहाँ पे जाइएगा और इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आप लोगों को बता दो दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने आपको बात बताई थी कि एक घंटे में व्यूज़ की अगर बात की जाए तो पठान काफ़ी ज़्यादा आगे थी टाइगर से। लेकिन अब जब एक दिन की बात की जाए, 24 घंटे की बात की जाए दोस्तों, तो पठान ने बवाल मचा दिया है। टाइगर ने बवाल मचा दिया है, पठान को पीछे छोड़ दिया है। रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि कैसे शाहरुख साहब की फिल्म के ट्रेलर को पीछे करके सलमान साहब काफ़ी ज़्यादा आगे पहुंच चुके हैं। आप लोगों को बता दूं दोस्तों, तो पठान ने 24 घंटे के अंदर अंदर 27 मिलियन प्लस व्यूज़ जो हैं वो अर्जित कर लिए थे। जी हाँ दोस्तों, ये बात है जनवरी की, जहाँ पे 24 आवर्स के अंदर अंदर 27 मिलियन व्यूज़ प्लस अर्जित कर लिए थे। वहीं टाइगर 3 की अगर बात की जाए दोस्तों, तो इस फिल्म ने, टाइगर 3 ने जो के ट्रेलर ने, जिसमें कि हमें सलमान साहब ज़बरदस्त दिखे, कैटरीना कैफ बवाल लग रही हैं, साथ ही साथ इमरान हाशमी की अमेजिंग केमिस्ट्री लग रही है सलमान साहब के साथ, इस फिल्म के ट्रेलर ने 24 आवर्स के अंदर अंदर 39 मिलियन प्लस व्यूज़ अर्जित कर लिए हैं। इससे बड़ी और इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है दोस्तों? एक घंटे का भी मैंने आपको कंपैरिजन बताया, मैंने आपको एक दिन का भी कंपैरिजन बताया, लेकिन इवेंचुअली ये एक स्पाई यूनिवर्स है जिसमें शाहरुख खान और सलमान खान की अपनी अलग अलग जनता है, और हमें इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करना चाहिए कि भाई चलो अच्छी बात है कि बॉलीवुड जो है वो अब आगे बढ़ रहा है, बॉलीवुड में कुछ नया हो रहा है। कुछ ठीक है, ऑलरेडी हम हॉलीवुड में सारी चीज़ें देख चुके हैं, लेकिन बॉलीवुड में अब कुछ नया हो रहा है, कुछ हटके हो रहा है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है दोस्तों, राइट? सो आपको क्या है कहना इस बारे में, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। वैसे आपको बता दूं तो इमरान हाशमी ने भी कुछ एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी पास कर दिया है ट्रेलर को लेकर। जी हाँ, और अपने कैरेक्टर को लेकर। क्या है वो मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, चैनल टेली खजाना को देखते रहना है। अब देखते हैं कि सलमान साहब की ये फिल्म का जो लाइफ टाइम एक कलेक्शन एक व्यू होता है, क्या ये आगे बढ़ेगा या फिर घटेगा, ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। आपका रिएक्शन ज़रूर बताएं। चलता हूँ, अपना ख्याल रखें।